हे गाइस, वेलकम टू द रोश। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंफर्म करा है कि बिहार में इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड ओर रिजर्व्स पाया जाता है। यहाँ पे गोल्ड ओर की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि ओर से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टन सॉयल निकला है तो उसमें से 1 ग्राम 2 ग्राम या 3 ग्राम गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है। तो बिहार में सबसे बड़ा गोल्ड ओर रिजर्व है, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी बिहार की बात होती है तो लोगों के दिमाग में पूरे स्टेट की बात आती है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि डेवलपमेंट में बिहार बहुत पीछे है। बट जब ये गोल्ड ओर रिजर्व की खबर मिली तो ऑब्वियसली लोगों को पता है कि बिहार की कंडीशन ठीक करने का ये एक अच्छा मौका है, जिससे लोगों का और स्टेट का फायदा होगा एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट फील्ड्स में। तो बिहार का सबसे बड़ा गोल्ड ओर रिजर्व बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में सोनो एरिया में मिला है। अमाउंट में इतना ज़्यादा गोल्ड मिलेगा कि पूरे इंडिया में जितना गोल्ड ओर है उससे ज़्यादा तो अकेले बिहार में ही मिल जाएगा। तो ये बात पता कैसे चली, इसके बारे में जानते हैं। बीजेपी लीडर एंड लोकसभा मेंबर संजय जायसवाल ने प्रेजेंट विंटर सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करा कि क्या इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड ओर रिजर्व बिहार में है। तो इस क्वेश्चन को सुनकर प्रहलाद जोशी, जो कि मिनिस्टर फॉर माइंस हैं, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी और ये बात कन्फर्म करी कि बिहार में ही लार्जेस्ट गोल्ड ओर रिजर्व है। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस ने डाटा दिया जिसमें बताया कि इंडिया में टोटल 501.83 मिलियन टन्स गोल्ड ओर रिजर्व्स है, जिसमें से 654.74 टन्स गोल्ड है और इस टोटल अमाउंट में 44% गोल्ड ओर रिजर्व अकेले बिहार में ही है। उन्होंने बताया कि बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में 222 मिलियन टन्स ऑफ ओर है, जो कि 44% है इंडिया के टोटल गोल्ड ओर का। 44% में से 37.6 टन्स ऑफ मेटल अभी तक मिला है। तो जब भी ओर मिलता है तो उस ओर को आइडेंटिफिकेशन के लिए UNFC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन में रखा जाता है, और जो बिहार में मिला है उसे कोड 333 में रखा गया है। तो बिहार में कैसे पता चला ये सब और वहाँ एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं की गई? 39 ईयर्स अगो करमाटिया विलेज के लोगों को सबसे पहले गोल्ड पार्टिकल्स मिले थे उन्हीं के विलेज में, और वो उन पार्टिकल को वहाँ के लोकल ब्लैकस्मिथ को सस्ते प्राइस में बेच देते थे। थोड़े टाइम बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली और उन्होंने उस जगह को सेफ एरिया डिक्लेयर करा और वहाँ पर सबको माइनिंग करने से रोक दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करी और इंस्टेंट एक्शन लेते हुए उस सॉयल के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा, और रिजल्ट आया कि ये बात सच है कि उस सॉयल के अंदर गोल्ड पार्टिकल्स हैं। इस बात से ऑफिशियली पता चला कि वहाँ पर गोल्ड ओर रिजर्व मिलता है। टेस्टिंग से पता चला कि वहाँ के 1 टन ऑफ ओर में सिर्फ 1 से 1.5 ग्राम गोल्ड ही एक्सट्रैक्ट होता है। तो उस टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट की एक लिमिट थी कि अगर 1 टन सॉयल में कम से कम 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है तभी एक्सकेवेशन स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि एक्सकेवेशन प्रोसेस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस टाइम एक्सकेवेशन नहीं किया। बट अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अब गोल्ड रेट बहुत ज्यादा है और तभी लोग गवर्नमेंट को ये एक्सकेवेशन स्टार्ट करने को कह रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपके इसको लेकर क्या व्यूज हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।